जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने आज नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग सरहदी इलाकों में लोगों से मुलाकात करने के बाद नौशहरा डाक बंगलों में एक आला सतह मीटिंग की क्यादत की। इस मीटिंग में एक तरफ जहां जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन नसीम लियाकत, एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी, एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद मौजूद थे, तो वहीं डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की क्यादत में सरकारी आला ऑफिसरान ने भी मीटिंग में शमूलियत की। इस दौरान राजौरी जिला में तरक्याती कामों व तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मुआयना किए जाने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने तमाम सरकारी महकमों के ऑफिसरान को ये हिदायत जारी की कि वो तयशुदा वक्त के अंदर तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल बनाना यकीनन करें और इसके अलावा वो इस चीज़ को भी यकीनन बनाएं कि तमाम सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा ज़रूरी बेनिफिशरीज तक पहुँचे। उन्होंने इसके अलावा राजौरी जिला के अंदर तरक्याती कामों की रफ्तार में एक नई तेजी लाने की बात पर भी जोर दिया और हुकूमत के तरफ से हिदायत भी जारी की। प्राइवेट
आपका टारगेट ऑफ लेंथ था 92 पॉइंट समथिंग सर, आपने अचीव सुनना मेरे भाई सर, टारगेट ये था अचीव इतना है 49.60 सर। हां हां सर काफी है सर, कर रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। मैं भी इतने जानता हूं तो मौके पर आऊंगा मैं, रात में जाऊंगा।